जय श्री कृष्णा गुड्डू। मैं बढ़िया हूँ गुड्डू, और आप लोग कैसे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग गुड्डू, गुड मॉर्निंग जोया, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सोनिया। यस सोनिया, अब ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। हीगल की धारणा में सामाजिक जीवन में व्यक्ति के मन की उच्चतम संभव उपलब्धि थी, क्या थी? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा, ओके? सभी का डी आ रहा है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है। हमें पहली तो बात ये बताइएगा, हीगल किस देश से बिलोंग करते थे? ग्रेट ब्रिटेन के थे? नहीं थे ना, प्रेसिया राज्य के थे, ओके? तो प्रेसिया को ही एक सामाजिक जीवन में अच्छा बनाने की एक उच्चतम उपलब्धि के बारे में बात करेंगे, ओके? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैकियावेली ने राजकुमार को आगे बढ़ने की सलाह दी। चलिए समय समाप्त हुआ, आंसर देख लेते हैं। सभी का ए आ रहा है, यस वेरी गुड। एक मॉडरेट बिहेवियर के थ्रू बढ़ेगा व्यक्ति, ना ज्यादा कठोर होगा ना ज्यादा दुर्लभ होगा व्यवहार, ओके? तो एक मध्यम व्यवहार रखेगा फ्रेंड्स और आगे बढ़ता जाएगा, ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कौन सा रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा नहीं है? Which is not a part of Rawls' well-ordered society. ऑप्शन सी, चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी, इक्वलिटी का, इक्वल का हिस्सा नहीं है, सभी व्यक्तियों के इक्वल के बारे में बात नहीं करते हैं। रॉल्स न्याय में क्या कहते हैं समाज में, बताइए? मैक्सिमिनी सिद्धांत, जो व्यक्ति अगर विकलांग है तो समाज में उसे उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए जो व्यक्ति
स्वस्थ है, ओके, जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा कानून न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण के नियम है, कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है जो किसी कानून के विपरीत नहीं है। यस साक्षी, वेरी गुड। चलिए बी ऑप्शन आया, ए आया, देखते हैं। ऑप्शन सी सही है, हॉब्स ने ये बात कही है। कानून न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण के नियम है, कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है जो किसी कानून के विपरीत नहीं है। वो काम आप सारे कर सकते हैं जो कानून या जिनके बारे में कानून मौन रहता है, उन सबको न्यायपूर्ण माना जाएगा। ओके, वेरी गुड, जो भी सी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पुस्तक है और ये पुस्तक आपको बतानी किस थिंकर की है और इनको एक कालक्रम में जमाना है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही सारे थिंकर की आपको पुस्तक भी याद करनी है। गुड मॉर्निंग विपिन। बी डी सी ए। अच्छा ये भी बता दीजिए, ये किस थिंकर की पुस्तक है, किसने लिखी है। चलिए आंसर देख लेते हैं, डी, वेरी गुड। किस थिंकर की है ये पुस्तक। बताइए, नहीं है पता किसी को भी, याद कीजिए थोड़ा। यस वेरी गुड, रूसो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू कौन सी पुस्तक किस थिंकर की है ये आपको बताना है। बी आ रहा है, सी आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन डी सही है, अगर आपको एक भी पुस्तक पता है तो आप लगा सकते हैं। कैसे, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक, तो डी का थ्री है कहीं, ये है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन को क्या है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाता है। ओके, अब एक पुस्तक एनआरकी स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक की है, है ना, तो ऑप्शन डी, बाकी हमें देखना ही नहीं है ऑप्शन। ओके यस, ऑन लोएटी जे एस मिल। चलिए वेरी, अगला क्वेश्चन ये रहा, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू तो आपको बताना है इसमें कौन सा थिंकर न्याय के बारे में क्या बात कहता है। ऑप्शन देख रहे हैं आपको,
डी, ऑप्शन डी सही कर रहे हैं सभी लोग, देख लेते हैं। यस वेरी गुड। तो जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास एंड वन वर्क के बारे में कौन बात करता है? जस्टिस एंड फेयरनेस, जस्टिस एंड एज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये आपको बताना है। जस्टिस एंड फेयरनेस ये किसने कहा? रॉल्स ने। अब रॉल्स को देख लीजिएगा, बी का कहीं थ्री है? बिल्कुल है भाई, ये आ गया डी ऑप्शन, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके ये ऐसे करना है। ओके चलिए एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये समझ में आ रहा है आपको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, परपेचुअल पीस, गोल्डन मीन, एनालॉजी ऑफ द केव, फॉर्च्यून एज अ वुमेन, ये सारे आपको मैच करने हैं लिस्ट वन एंड लिस्ट टू से। ए बी, चलिए आंसर देख लेते हैं। बी, वेरी गुड। तो परपेचुअल पीस किसने लिखा? कांट का है ना? अगर ए का बी, तो यहाँ अधिकतर एलिमिनेट ये हो गया एलिमिनेट और ये हो गया। अब इन दोनों में हम लोग कंफ्यूज हैं, राइट? गोल्डन मीन अरिस्टोटल ने कहा है, तो ये आ गया, ये एलिमिनेट हो गया, राइट? अगर एनालॉजी ऑफ द केव, ये तो आप सबको पता है प्लेटो ने कहा था, राइट? और फॉर्च्यून एज अ वुमैन, तो ये किसका है? मैकियावेली। यस वेरी गुड, गुड मॉर्निंग कोमल। चलिए अगला है असेसन रीजन है। मार्क्स एक क्रांतिकारी थे, मार्क्स को इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था। अधिकतर स्टूडेंट का सी ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। यस वेरी गुड। तो मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से सरोकार था। ओके इसमें क्या लगा है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओके ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अरस्तु को न्यायोचित रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कारण, प्लेटो के आदर्शवाद की उनकी आलोचना इस दावे को सही ठहराती है। चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन ए देख लेते हैं। यस वेरी गुड। क्योंकि अरस्तु एक पॉलिटिकल साइंस के फादर है और जिन्होंने प्लेटो के आदर्शवाद की आलोचना भी की थी। ओके एक दार्शनिक राजा कभी नहीं हो सकता। अगला है सामाजिक विज्ञान में सामान्य प्रणाली सिद्धांत के संचालन भाग को सबसे पहले विकसित किया गया। चलिए सभी का डी ऑप्शन आ रहा है, देख लेते हैं। यस एंथ्रोपोलॉजी, नृविज्ञान से। ओके अगला क्वेश्चन, किसने कहा कार्यवाद की व्याख्या वास्तव में मार्क्स की एक सचेत विकल्प के रूप में की जा सकती है?
ऑप्शन दूसरा आ रहा है सभी का ए और दूसरा अधिकतर बी है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही है, WG रंसीमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि कारवाद की व्याख्या वास्तव में मार्क्सवाद के एक सचेत विकल्प के रूप में की जा सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक विकासशील समाज को विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं बहुतायत के चरणों से गुजरना होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, है ना? ऑप्शन बी, ओरेगेंस्की ने कहा है ये बात कि एक विकासशील समाज को विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नेशन वेलफेयर एंड अवेयरनेस, ओके, बहुतायत के चरणों से गुजरना पड़ेगा। अगला है, अब ये आपस में आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित नहीं है। ओके, इनमें से एक होगा जो सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन डी आ रहा है सभी का। ऑप्शन ए लुसियन पाई आधुनिकीकरण से नहीं है। ओके, याद रखिएगा। सांस्कृतिक से। और अगला ये रहा आपका क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तीन सही होंगे और एक गलत होगा। चलिए, डी आया, समय समाप्त हो गया। डी एंड सी देख लेते, सी नहीं है। सी राइट मिल द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला राजनीतिक सूत्र की अवधारणा पर आधारित है, बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक संस्कृति के अवधारणा किसके सर्वेक्षण से विकसित हुई है? सी राइट मिल किससे है? पावर एलिट से है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन दूसरा आया, समय समाप्त हुआ, आंसर देख लेते हैं। यस, वेरी गुड। यूएस, यूके, मैक्सिको, जर्मनी एंड इटली, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, असमान विनिमय का सूत्रीकरण क्या है? अनइक्वल एक्सचेंज इज द फॉर्मुलेशन ऑफ। चलिए, समय समाप्त हुआ, आंसर देख लेते हैं। आंसर ए है समीर अमीन। ओके, असमान विनिमय का सूत्रीकरण इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन, दलीय प्रणाली का
ड्यूवर्जर का वर्गीकरण राजनीतिक दलों के अनुभव से लिया गया है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? समय समाप्त हुआ, आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पश्चिमी यूरोप से डूबरगन ने अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वो पश्चिमी यूरोप से था। ओके, अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये तो पता ही होगा कि नहीं है ये भी। समय समाप्त हो गया, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन डी सही है, पहला और दूसरा। वह राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया भी होता है, उसके पास विधायिका को भंग करने की शक्ति होती है। वह अपने मंत्रिमंडल की सलाह से बंध है, ऐसा नहीं है। सभी कार्यकारी शक्तियां उसमें निहित है, ऐसा भी नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एफ एम मार्क्स की अभिभावक नौकरशाही की विशेषज्ञता नहीं है या विशेषता नहीं है। नॉट अ फीचर, आपको बताना है मार्क्स का। समय समाप्त हुआ, सी एंड डी आ रहा है, ऑप्शन देखते हैं। डी, करप्ट अर्थात भ्रष्टाचारी नहीं होगा। ओके, भारत में पिछले वर्गों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति की नियुक्ति की गई? ओबीसी के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? चलिए बताइए। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही है, रामनंदन कमेटी। ओके, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राजनीति को कमी की राजनीति के रूप में किसने वर्णित किया है? भारतीय राजनीति के बारे में कई ऐसे थिंकर हैं और उन्हीं में से एक को आपको बताना है जिसने पॉलिटिकल ऑफ सेक्रेसिटी बताया है। कमी की राजनीति के बारे में कौन सा थिंकर बात करता है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, माइनर वीरन ने भारत की राजनीति के बारे में अध्ययन किया है, ये मैंने आपको यूनिट 8 में पढ़ाया है। ओके, देखिएगा। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार की शुरुआत की? ये तो सभी लोग बता देंगे, राइट? चलिए बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए आया, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन डी है, सुभाष चंद्र बोस योजना आयोग की विचार की शुरुआत की। विचार की बात हो रही है या आइडिया? ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा, आइडिया की बात हो रही है, सभी का गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है?
चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। हाँ ऑप्शन सी आता है, ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार के बारे में कौन सी कथन सही है? राज्यसभा राज्यों के अधीन, राज्यों के स्थायी हितों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, ये तो गलत ही हुआ। पहला जिसमें भी है वो उसे एलिमिनेट कर दीजिएगा, ये सही हो गया। हो गया ये देखना। ओके, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत स्वावलंबन आंदोलन का पहला सत्याग्रही थे? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, समय समाप्त। ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय संघ को सौदेबाजी संघवाद के रूप में चित्रित करता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए देख लेते हैं। यस वेरी गुड, मॉरिस जॉन्स। ओके, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ आंसर कीजिए, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। बीपी मंडल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? ए बी सबका मिक्स आ रहा है ना बी। चलिए देख लेते हैं, सी ऑप्शन सही है, 1990। सभी लोग एक का देख के दे रहे हैं, ठीक है। विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के प्रावधान के लिए लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया? देख लेते हैं, ऑप्शन बी 1989। यस वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या रिपोर्ट ने भारत के संघीय न्यायालय का निर्माण किया है? ये इंडियन पॉलिटी से सेकेंड क्लास से है ना। चलिए बताइए, फोर डी। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, कितना? 1935। वेरी गुड। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और जितने भी क्वेश्चन है आज सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, उनको पढ़िएगा और उनको ही मत रटना, उनसे ये देखना कि इस टॉपिक से और कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन। ओके, यूनिट 1, 2, 3, 4 इन सब का अच्छे से रिवीजन करिएगा, यूनिट 5 का भी, मतलब सारे आपको अच्छे से पढ़ना। कोमल कल हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच। आज सब मिल जाएगी। ओके, और सभी का वो फॉर्म फिल हो गया कि नहीं हुआ? चलिए, ओके, थैंक यू, बाय, मोस्ट वेलकम। ओके, देखते हैं आज जैसा भी होगा।